स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि एवं विकास। जिस प्रकार से जीवधारी को विकास के लिए और वृद्धि करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उचित वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार उसी जीवधारी के शरीर के अंदर कुछ ऐसे नियामक तंत्र पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से रासायनिक समन्वय पाया जाता है जो उस जीवधारी के अंदर होने वाली वृद्धि और विकास को निर्धारित करता है। ठीक इसी प्रकार से पौधों में भी ऐसे रासायनिक अवयव हैं जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास को निर्धारित करते हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे और इस माध्यम से हम समझते भी जाएंगे। तो प्रश्न पहला है, वृद्धि को परिभाषित कीजिए। उत्तर होगा, किसी कोशिका, अंग अथवा जीव शरीर के आकार एवं आयतन में होने वाला स्थायी व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप उसका शुष्क भार बढ़ता है, वृद्धि कहलाता है। अब आप यहाँ समझ रहे हैं कि जीव, कोई भी कोशिका, कोशिका से बना अंग तंत्र, अंग तंत्र से मिलकर बना जीव शरीर, तो उसके आकार और आयतन में स्थायी मतलब परमानेंट, ऐसा नहीं कि अभी हुआ 2 घंटे बाद फिर वो बैक आ गया, और उसके बाद अनुत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी मतलब वो विपरीत दिशा में ना जाए। जैसे कि हम बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो अनुत्क्रमणी है ना, वापस फिर बाल्यावस्था में तो नहीं जा सकते। परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप उसका शुष्क भार बढ़ता है मतलब उसके शुष्क वजन में वृद्धि होती है, उसे वृद्धि कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, पादप वृद्धि की कुल कितनी अवस्थाएं हैं उनके नाम लिखो। जिस प्रकार से हर जीवधारी के शरीर की वृद्धि की अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार पादप वृद्धि की 3 प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी देखें हम। पहला है कोशिका निर्माण प्रावस्था अर्थात सेल डेवलप होती है। दूसरा कोशिका विवर्धन प्रावस्था अर्थात कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और तीसरा है परिपक्वन अथवा विभेदन अवस्था, जबकि परिपक्व होकर के विभेदित होती है। तो इस प्रकार से पादप वृद्धि की 3 प्रावस्थाएं हैं। तीसरा देखें, वृद्धि दर को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगा, वृद्धि की दर किस रेट से वृद्धि हो रही है, तो इकाई समय में होने वाली वृद्धि वृद्धि दर कहलाती है। एक यूनिट लेबल मान लेते हैं, उस पर जो वृद्धि होती है उसे वृद्धि दर कहते हैं। इसे अंक गणित व ज्यामिति दोनों प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। चौथा, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं मतलब कौन कौन सी दशाएं हैं या कंडीशंस हैं जिसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो उसमें है जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति, अगर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो प्लांट बराबर ग्रो करेंगे। फिर इसके बाद में है कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात मतलब उनमें कार्बन और नाइट्रोजन का कितना परसेंट मिल रहा है, क्योंकि CHNOPK जो है वो मेन एलिमेंट्स कहलाते हैं। उचित तापमान, टेम्परेचर कंडीशन, पर्याप्त जल, ऑक्सीजन व प्रकाश, ये सारी जो चीजें हैं जो आवश्यक हैं, वही चीजें वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं हैं। पांचवा क्वेश्चन देखें, विभेदन क्या है। विभेदन डिफ्रेंशिएशन, सरल अविभेदित विभेद्योतक कोशिकाओं में किसी विशिष्ट कार्य के लिए होने वाले रूपांतर को विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो विभेद्योतक कोशिकाएं हैं आपने प्लांट टिश्यू में पढ़ा होगा, उसमें किसी कार्य विशेष के लिए जो रूपांतर हो जाता है, जैसे जल के लिए संवहन ऊतक का बनना, भोज्य पदार्थों के लिए फ्लोएम का बनना, बाह्य त्वचा का निर्माण, इस प्रकार से जो विभेदन होता है वो क्या कहला जाता है, डिफरेंशिएशन कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, निर्विभेदन को परिभाषित कीजिए। कुछ जीवित विभेदित कोशिकाएं विशेष परिस्थितियों में विभाजन की पुनः क्षमता प्राप्त कर लेती हैं, यह क्रिया निर्विभेदन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, पुनर्विभेदन से क्या आशय है। पुनर्विभेदन मतलब जब निर्विभेदित कोशिकाओं का या ऊतकों में फिर से डिफरेंशिएशन हो जाता है, जिससे कोई कोशिका या ऊतक विशिष्ट कार्य के लिए विकसित हो जाता है, इसे पुनर्विभेदन कहते हैं। परिवर्धन किसे कहते हैं। किसी जीव पादप के जीवन चक्र में आने वाले सारे परिवर्तन
परिवर्धन, जो बीजांकुर अर्थात जब वो बीज रहता है उससे लेके इसकी जरावस्था के बीच में आते हैं, क्या कहलाते हैं? परिवर्धन कहलाते हैं। परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, पादप वृद्धि नियंत्रक या फाइटो हार्मोन्स से क्या आशय है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप समझिए, क्योंकि पूरा लेसन इसी पे बेस्ड है कि पादपों में वृद्धि एवं विभेदन का नियमन उनमें निर्मित होने वाले कुछ विशेष रसायनों द्वारा होता है, जो कैसे होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में प्रयुक्त होने पर भी उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ये रसायन पादप वृद्धि नियंत्रक या फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आदि। जिस प्रकार से हम लोगों के लिए भी क्या है? हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हार्मोन्स हैं वो किसी भी जीवधारी के शरीर में उसकी वृद्धि एवं विकास को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे रसायन हैं जो क्या करते हैं? पौधों में भी क्या करते हैं? वृद्धि एवं परिवर्धन को प्रभावित करते हैं। इनको पादप वृद्धि नियंत्रक या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन इंपॉर्टेंट, वृद्धि निरोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं? अब वृद्धि और निरोधक, वृद्धि को जो रोकने वाले हैं, बैरियर का काम करते हैं वो हार्मोन्स, मतलब तो पौधों की वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन्स वृद्धि निरोधक हार्मोन, सिंपल है, इसी में इसकी डेफिनेशन छुपी है। और ये हार्मोन्स है एब्सिसिक अम्ल ABA। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपसे मल्टीपल चॉइस में भी कि एब्सिसिक अम्ल का फुल फॉर्म बताइए, तो एब्सिसिक अम्ल का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ABA, और ये एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है। अर्थात वृद्धि करते हुए हार्मोन्स की सेल्स में क्या करता है? कोशिकाओं की सेल्स में ऐसा करता है कि वो उनकी वृद्धि रुकने लगती है या सीमित होती है। नेक्स्ट देखें, पुष्पी पौधों के जीवन में किसी एक पैरामीटर से वृद्धि को वर्णित नहीं किया जा सकता, क्यों? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। पुष्पी पौधों में जो वृद्धि होती है जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना अत्यंत कठिन है, अतः वृद्धि को मापदंडों जैसे ताजा भार, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या द्वारा नापा जाता है। इसमें से कोई भी एक पैरामीटर पौधे की वृद्धि नापने हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकता, अतः इसी कारण से किसी एक पैरामीटर से वृद्धि को वर्णित नहीं किया जा सकता। क्योंकि सिंपल सी बात है, वृद्धि जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि। अब इस वृद्धि को हम डायरेक्ट तो नहीं माप सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसकी उसका जो ताजा भार, मतलब करंट में जो उसका है, उसका तो शुष्क भार जो है, पौधे की लंबाई, उसका क्षेत्रफल, ये सारी चीजें जो है उसको नापा जाता है। तो किसी एक चीज को लेकर के हम पौधे की वृद्धि को नहीं माप सकते। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, पौधों में वृद्धि के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? तो पहला है कोशिका निर्माण या विभाजन प्रावस्था। इस प्रावस्था में समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं की क्या बढ़ती है? संख्या बढ़ती है और वृद्धि की गति धीमी रहती है। दूसरा है कोशिका विवर्धन या दीर्घन। इस प्रावस्था में कोशिकाओं की लंबाई, आयतन या भार में वृद्धि होती है। इस प्रावस्था में वृद्धि तेजी से होती है, जस्ट लाइक सेल साइकिल, जो कि मैं आपको उसमें माइटोसिस और मियोसिस में समझा चुकी हूँ। तीसरा, कोशिका विभेदन या परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या होता है? कोशिकाएं एक निश्चित आकार के बाद स्थायी रूप धारण करती हैं। इसमें वृद्धि की गति धीमी परंतु स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समग्र वृद्धि काल से आपका क्या तात्पर्य है, समझाइए। उत्तर, पौधों में वृद्धि की गति कभी भी एक जैसी नहीं रहती। प्रारंभ में वृद्धि की गति बहुत धीमी होती है, फिर वह अत्यंत तीव्र होकर उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है तथा फिर धीरे धीरे कम होकर बिल्कुल रुक जाती है। अगर इस वृद्धि दर का समय के साथ ग्राफ खींचा जाए तो यह S आकृति या सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है तथा पौधे की संपूर्ण वृद्धि में लगे कुल समय को समग्र वृद्धि काल कहते हैं। मतलब जब पौधा स्टार्ट इनिशियल से अपनी जरावस्था तक पहुंचता है, इस बीच का जो फेस है इसको कहते हैं वृद्धि काल। क्या कहेंगे बच्चों? वृद्धि काल, समग्र वृद्धि काल, जन्म से लेकर के उसके जरावस्था तक का समय। अब
अगेन टिप्पणी में यदि हम देखें तो संक्षिप्त वर्णन करो, अंक गणितीय वृद्धि अर्थमेटिक ग्रोथ, इस प्रकार की वृद्धि में वृद्धि की दर प्रारंभ से अंत तक एक समान या अपरिवर्तित रहती है। यह वृद्धि अंक गणितीय श्रेणी जैसे 2, 4, 6, 8 में होती है। इस वृद्धि दर का समय के साथ ग्राफ एक रैखिक वक्र प्राप्त होता है। दूसरा है ज्यामिति वृद्धि, इस प्रकार की वृद्धि प्राय सूक्ष्म जीवों एवं ओ एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलती है। इसमें पहले प्रत्येक कोशिका विभाजित होती है, फिर सभी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके विभाजन करती हैं। इसमें प्रारंभ में वृद्धि धीमे होती है, फिर इसमें चर घातांकी दर से वृद्धि जो है वो तीव्र हो जाती है। इस वृद्धि का दर का समय के साथ ग्राफ सिग्माइड वक्र प्राप्त होता है। तीसरा है सिग्मोइड वृद्धि वक्र, जो कि इम्पोर्टेंट है कि जैसे प्राकृतिक वातावरण में जीवों की वृद्धि एक एस आकृति के वक्र के द्वारा प्रदर्शित होती है, जैसे एस फॉर सिग्मोइड वृद्धि वक्र कहते हैं। इस वक्र की प्रावस्थाएं हैं लैग फेज, जो स्टार्टिंग टाइम रहता है, लॉग पीरियड, और इसके बाद आता है डिक्लाइन पीरियड या स्टेडी फेज, यानी डिक्लाइन पीरियड के बाद इसकी वृद्धि रुक जाती है और एक सी चलती है। चौथा है संपूर्ण तथा सापेक्ष, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वृद्धि दर, किसी जीव या उसके अंगों में इकाई समय में होने वाली पूर्ण वृद्धि जो है वो संपूर्ण वृद्धि कहलाती है, जबकि किसी प्रणाली तंत्र में प्रति इकाई समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना सापेक्ष वृद्धि दर कहलाता है। एक इकाई समय होने वाली किसी जीव में जो पूरी वृद्धि है वो संपूर्ण वृद्धि हो गई, और जबकि एक 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 यूनिट लेवल पे अगर हम देखें उनको सामान्य जनरलाइज वे में देना सापेक्ष वृद्धि दर कहलाता है। अब हम यहाँ पर आते हैं वृद्धि हार्मोन के बारे में, फाइटो हार्मोन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्सिन के दो प्रकार्यात्मक प्रभावों को, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को समझाइए। ऑक्सिन का इफेक्ट क्या है? पहला है शीर्षस्थ प्रभाविता, अनेक पौधों में शीर्षस्थ प्रभाविता पाई जाती है, अर्थात जब तक पौधे पर शीर्षस्थ कलिका रहती है तब तक पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि नहीं होती, तथा शीर्षस्थ कलिका को काट देने पर पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि होने लगती है। उसके कारण अग्रस्त कलिका में ऑक्सिन उपस्थित होता है जो पार्श्व कलिकाओं में पहुंचकर उनकी वृद्धि को रोक देता है। शीर्षस्थ कलिका को काट देने पर ऑक्सिन का प्रभाव खत्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप पार्श्व कलिकाएं वृद्धि करने लगती है। ये तो आप समझते होगे ना बेटा कि किसी भी प्लांट में ये जो ऊपर टॉप लेवल पे है ये शीर्षस्थ कहलाएगा, और इसके साइड में जो ये लगे हुए इनकी कलिकाओं में जो साइड में है ये पार्श्व कलिकाएं कहलाती है। तो ये क्या करती है, इन पे ही ऑक्सिन पाया जाता है। दूसरा है जड़ों का निर्माण, कायिक जनन के समय पौधों की कलम के निचले सिरे को ऑक्सिन के तनु घोल में डुबोकर लगाने से जड़ें क्या होती हैं, शीघ्र निकलती है। आपने देखा होगा ना कि माली वगैरह क्या करते हैं, घोल में डाल करके लगाते हैं तो कलम जल्दी लगती है, एक्चुअली वो ऑक्सिन रहता है उसके घोल में, जड़ें जल्दी निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, जिब्रेलिन के कार्य लिखिए, जिब्रेलिन के उपयोग एवं महत्व लिखिए। जिब्रेलिन का अर्थ है कि पौधों की लंबाई बढ़ाता है ये, तो बोनी जाति के पौधों पर जिब्रेलिन के छिड़काव से विशेष रूप से पौधे लंबे हो जाते हैं। इसके छिड़काव से द्विवर्षी पौधों को एक वर्षीय पौधों में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये पौधों में पुष्पन यानी फूलों का आना और फलों के परिवर्धन में सहायता पहुंचाते हैं। इनके प्रयोग से छोटे दिन वाली अवस्थाओं में भी लंबे दिन वाले पौधों में पुष्पन प्रेरित किया जा सकता है। गन्ने की फसल पर इसके प्रयोग द्वारा पौधों के आकार और शर्करा के पैदावार में वृद्धि की जा सकती है। इसका उपयोग और होता है बीज रहित अंगूर के उत्पादन में, कुछ अंगूर ऐसे आते हैं ना ग्रेप्स जिसमें बीज नहीं होते, वो जिब्रेलिन इफेक्ट के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं, टेंशन देता है ये। जैसे एब्सिसिक एसिड प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक वृद्धि संदमक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है जो पौधे के उपापचय में निरोधक का कार्य करता है। यह किस चीज का विरोध करता है, बीजों के अंकुरण का विरोध करता है, बाह्य पट्टिकाओं में रंध्र को बंद रखता है। इस प्रकार पौधों में विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने की क्षमता, प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं का सामना करने की सामर्थ्य प्रदान करता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन कहा जाता है। अगर आप
ऐसा करने को कहा जाए तो एक पादप वृद्धि नियामक का नाम दें। यदि हमने बोला कि किसी टहनी में जड़ पैदा करना है, या फल को जल्दी पकने के लिए करना है, या पत्तियों की जरावस्था को रोकना है, तो हम कौन कौन से फाइटोहार्मोन्स का उपयोग करेंगे, या कक्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि कराने हेतु, एक रोजेट पौधे में वोल्ट हेतु, पत्तियों के रंध्र को तुरंत बंद करने हेतु। इसमें हमने आंसर है, पहले में ऑक्सिन, दूसरे में एथिलीन, फलों के पकने के लिए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एक रोजेट पौधे में वोल्ट हेतु, और पत्तियों के रंध्र को बंद करने के लिए एब्सिसिक एसिड या एबीए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या हो सकता है GA3 को धान के नवोद्भिदों पर छिड़क दिया जाए। GA3 को धान के नवोद्भिद यानी नए अंकुरों पर छिड़कने से उनके इंटरनोड या पर्व जो है वो लंबे हो जाएंगे, फलस्वरूप नवोद्भिद जो न्यू प्लांट है उनकी क्या होगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। दूसरा, विभाजित कोशिका विभेदन करना अगर बंद कर दे। यदि विभाजित कोशिका विभेदन करना बंद कर दे तो पौधे के विभिन्न अंग जैसे पत्तियां, तना, जड़ आदि का निर्माण नहीं हो जाएगा और पूरा एक कोशिकाओं का जो ढेर है वो कैलस कहलाएगा। तीसरा, एक सड़ा फल कच्चे फलों के साथ मिला दिया जाए तो। यदि एक सड़ा फल हम कच्चे फलों के साथ मिला देना तो सड़े फल से जो गैस उत्पन्न होती है उसका नाम है एथिलीन, और वो एथिलीन गैस कच्चे फलों को पका देती है। इसका मतलब है कि जो एथिलीन गैस है वो फलों को पकाने में इम्पोर्टेंट है। चौथा, अगर आप संवर्धन माध्यम में साइटोकाइनेस डालना भूल जाए, अगर हम संवर्धन माध्यम जैसे कि हम हाइड्रोपोनिक्स वगैरह में करते हैं साइटोकाइनिन डालना भूल जाएं तो कोशिका विभाजन, उसकी वृद्धि और विभेदन दिखाई नहीं देगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दीप्तिकालिता क्या है, इसका महत्व लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पौधों को फलने फूलने प्रजनन करने भौगोलिक वितरण पर किसका प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का। अतः पौधे द्वारा प्रकाश की अवधि और समय के प्रति अनुक्रिया को दीप्तिकालिता, दीप्ति यानी प्रकाश, समय काल, तो समय और काल का जो प्रभाव है उसको ही दीप्तिकालिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकाश एवं अंधकार के परिवर्तनों के प्रति पौधे की कार्य की अनुक्रियाएं दीप्तिकालिता कहलाती हैं। महत्व क्या है, दीप्तिकालिता के द्वारा प्रकाश काल पर हम नियंत्रण करके किसी पौधे में अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसमें इच्छा अनुसार पुष्पन करा के दो भिन्न जातियों में परागण व निषेचन करा सकते हैं, नई जातियां प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, ऐसी फसलें जिनके कायिक अथवा आर्थिक महत्व है, दीप्तकालिका द्वारा इनमें पुष्पन को रोककर फसलों को लंबे समय तक कायिक अवस्था में रखकर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। चौथा, आलू को कम प्रकाश में उगाकर उसके कंदों को सुंदर एवं चिकना बनाया जा सकता है। तो बच्चों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन